भारत एट नाइन देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। उत्तर प्रदेश के मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम 2004 पर हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया, जो राज्य के मदरसों और छात्रों के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ। ये फैसला मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेवी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस फैसले को पलट दिया जिसमें मदरसा एक्ट को संविधान के विरुद्ध बताया गया था। हाई कोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि यूपी मदरसा एक्ट 2004 धर्म निरपेक्षता के सिद्धांत का उल्लंघन करता है और उसे असंवैधानिक घोषित किया गया था। अब आइए आपको बताते हैं कि मदरसा एक्ट क्या है। उत्तर प्रदेश में मदरसे की शिक्षा को व्यवस्थित करने और उसका विकास करने के लिए साल 2004 में यूपी मदरसा शिक्षा एक्ट बनाया गया था। इस कानून के तहत मदरसों में अरबी, उर्दू, फारसी, इस्लामी अध्ययन, पारंपरिक चिकित्सा, दर्शन शास्त्र और अन्य विषयों की शिक्षा दी जाती है। इस अधिनियम का उद्देश्य धार्मिक और सांस्कृतिक शिक्षा के साथ साथ आधुनिक शिक्षा को बढ़ावा देना था, ताकि छात्रों को रोजगार और जीवन उपयोगी शिक्षा मिल सके। मार्च 2023 की बात है जब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस कानून को संविधान के विरुद्ध मानते हुए असंवैधानिक घोषित कर दिया था। हाई कोर्ट का तर्क था कि एक राज्य सरकार को किसी विशेष धार्मिक समूह के लिए शिक्षा बोर्ड बनाने का अधिकार नहीं, क्योंकि यह धर्म निरपेक्षता के सिद्धांत के खिलाफ है। कोर्ट ने यह भी आदेश दिया था कि मदरसों के छात्रों को सामान्य स्कूलिंग सिस्टम में शामिल किया जाए। यह फैसला आने के बाद मदरसों और अल्पसंख्यक समुदाय में चिंता की लहर दौड़ गई थी। मदरसों के प्रबंधक और छात्रों के अभिभावकों ने इसे एक बड़ा झटका माना, क्योंकि इससे मदरसा शिक्षा की स्वच्छता पर सवाल खड़े हो गए थे। हाई कोर्ट के इस आदेश के खिलाफ मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर विचार करते हुए हाई कोर्ट के फैसले को पलट दिया। कोर्ट ने कहा कि मदरसा एक्ट का उद्देश्य मदरसों के कामकाज में हस्तक्षेप करना नहीं है, बल्कि ये राज्य में अल्पसंख्यक समुदाय की शिक्षा के अधिकार की रक्षा के लिए है। सुप्रीम कोर्ट ने माना कि अधिनियम छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने में सहायक है और उन्हें एक सभ्य जीवन यापन के लिए तैयार करता है। सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने कहा कि मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम का उद्देश्य मदरसों के रोजमर्रा के कामकाजों में हस्तक्षेप करना नहीं, बल्कि उनकी गुणवत्ता को बनाए रखना, छात्रों को आधुनिक और धार्मिक शिक्षा प्रदान करना है। ये कानून सुनिश्चित करता है कि छात्र न सिर्फ धार्मिक अध्ययन बल्कि आधुनिक विषयों में भी पढ़ाई करें, जिससे वो सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से सफल हो। अब बात करते हैं मदरसा की शिक्षा प्रणाली में सुधार और चुनौतियों पर। उत्तर प्रदेश में करीब 25,000 मदरसे हैं, लेकिन इनमें से केवल 16,000 मदरसों को ही यूपी मदरसा बोर्ड की मान्यता प्राप्त है। इस फैसले के बाद इन मदरसों में पढ़ने वाले लाखों छात्रों को राहत तो मिलेगी। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के मुताबिक हालांकि मदरसा एक्ट को संवैधानिक माना गया है, लेकिन कुछ प्रावधानों को छोड़कर इसके तहत सभी मानदंडों को वैधता दी गई है। कोर्ट ने यह भी कहा कि 12वीं कक्षा के बाद कामिल यानी कि यूजी और फाजिल यानी कि पीजी प्रमाण पत्र देने वाले मदरसों को यूपी मदरसा बोर्ड द्वारा मान्यता नहीं दी जा सकती, क्योंकि ये यूजीसी अधिनियम के विपरीत है। तो आइए जानते हैं अल्पसंख्यक समुदाय के लिए मदरसा कितना महत्व रखता है। देखिए, ये फैसला अल्पसंख्यक समुदाय के लिए एक बड़ी राहत है, क्योंकि उनके शैक्षणिक और सांस्कृतिक अधिकारों की पुष्टि करता है। मदरसों की शिक्षा व्यवस्था जो सदियों से चली आ रही है, इस फैसले के बाद सुरक्षित मानी जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया है कि राज्य सरकार को शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और उनके प्रशासन के दौरान अल्पसंख्यक समुदाय के अधिकारों का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला उत्तर प्रदेश के मदरसों में शिक्षा प्राप्त करने वाले लाखों छात्रों के लिए एक सकारात्मक कदम है। ये न केवल मदरसों की स्वायत्तता की रक्षा करता है, बल्कि ये भी सुनिश्चित करता है कि मदरसे आधुनिक और धार्मिक शिक्षा दोनों का संतुलन बनाए रखें। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि सरकार की भूमिका शिक्षा के मानकों को सुनिश्चित करने, अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा करने में होनी चाहिए, न कि धार्मिक शिक्षा में अनावश्यक हस्तक्षेप करने में। अब इस फैसले में उम्मीद है कि मदरसा शिक्षा प्रणाली का विकास होगा। मदरसों में पढ़ने वाले छात्र न केवल धार्मिक बल्कि आधुनिक शिक्षा में भी निपुण होंगे। ये कदम उन सभी के लिए महत्वपूर्ण है जो धार्मिक और आधुनिक शिक्षा का समन्वय चाहते हैं, ताकि समाज में एक समावेशी और जागरूक नागरिकता का निर्माण हो सके। तो वीडियो आपको कैसा लगा, जानकारी आपको कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।